हेलो भाई, मैं अंकित। महिंद्रा वालों ने तो आग लगा रखा है मार्केट में। अगर ये लोग 39 यूनिट और बेच लेते हैं ना, मतलब 39 कार को और बेच लेते हैं तो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, लेकिन भाई नहीं बेच पाए इसीलिए तीसरे नंबर पे आए हैं। खैर मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज अपन फाइनली भाई 14 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार ब्रांड के बारे में जानने वाले हैं। सितंबर का महीना भाई खत्म हो चुका है, तो आप देख लेते सितंबर के महीने में कौन सी कंपनी का क्या कहानी रहा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और वो कंपनी कितनी मॉडल को इंडियन मार्केट में बेचती है ये भी जानेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हमेशा की तरह 14वें नंबर पे आई है जीप इंडिया। इन्होंने भाई 365 गाड़ियों को ही बेचा है सितंबर में, जबकि अगस्त में 340 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 25 गाड़ियां इन्होंने ज्यादा बेचा है, मात्र 25 गाड़ियां। जीप वाले भाई आज के डेट में इतना डिस्काउंट दे रहे हैं अपनी कार पे, पूछो मत। अभी इनके पास चार प्रोडक्ट है, आप सभी अच्छे जानते हैं। बाकी 13वें नंबर पे सिट्रोइन, इन्होंने भाई 711 कार को बेचा है ओनली। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 711 कार, जबकि अगस्त में 1275 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब भाई 564 गाड़ियां इनकी कम भी की है भाई साहब, 564 गाड़ियां। जबकि इन्होंने हाल फिलहाल में एक कूपे डिजाइन बसाल्ट को लॉन्च करा है, फिर भी भाई उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है इंडियन मार्केट में। और इन्होंने अपने C3 एयर क्रॉस को भाई बंद करके सिर्फ उसको एयर क्रॉस के नाम से लॉन्च कर दिया है। अभी इनके पास टोटल आज के रेट में 5 प्रोडक्ट हो चुका है। बाकी 12वें नंबर पे निसान इंडिया, इनके पास अब 2 प्रोडक्ट हो चुका है भाई। इन्होंने 2113 गाड़ियों को बेचा है ऑल ओवर इंडिया में सितंबर में, जबकि अगस्त में आंकड़ा 2257 यूनिट का था। मतलब 144 गाड़ियां कम बिकी इनकी पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने 144 गाड़ियां। बाकी 11वें नंबर पे रेनॉल्ट इंडिया, इन्होंने 3217 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में, जबकि अगस्त में 3018 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 199 गाड़ियां ज़्यादा बेचा इन्होंने पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने 199 गाड़ियां। इनके पास टोटल 3 प्रोडक्ट है भाई। सुनने में तो बहुत टाइम से आ रहा है कि अब लॉन्च करेंगे डस्टर को, अब लॉन्च करेंगे, लेकिन भाई कोई भी लीक वगैरह नहीं निकल के आ रहा है। ये लोग भी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं अपनी कार पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इनकी कार में तो एक बार शोरूम जाके विजिट कर सकते हो अपने नज़दीकी। बाकी हाँ, 10वें नंबर पे स्कोडा, इन्होंने भाई 3308 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में, जबकि अगस्त में आंकड़ा 2772 यूनिट का था। मतलब 536 गाड़ियां इन्होंने ज़्यादा बेचा है, 536 गाड़ियां। इनके पास टोटल 4 प्रोडक्ट हो चुका है भाई। बाकी 9वें नंबर पे फॉक्स वैगन, इन्होंने 3394 गाड़ियों को बेचा है, 3394 गाड़ियां, जबकि अगस्त में 3577 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 183 गाड़ियां कम बिकी इनकी पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने 183 गाड़ियां। अगर आप फॉक्स वैगन को जानते हो तो कोई और कंपनी की गाड़ी आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि फॉक्स वैगन वाले बहुत ही तगड़ा गाड़ी देते हैं। इनके पास अलग ही 3 ही प्रोडक्ट है भाई, और ये 3 में से 2 SUV एक सेडान है। खैर 8वें नंबर पे मॉरिस गैराज, या फिर बोल सकते हो MG, इन्होंने भाई 4588 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में, 4588 गाड़ियां, जबकि अगस्त में 4571 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 17 गाड़ियां इन्होंने ज़्यादा बेचा है, 17 गाड़ियां। अभी इनके पास टोटल 7 प्रोडक्ट है आज के रेट में। बाकी 7वें नंबर पे होंडा, इन्होंने भाई 5675 गाड़ियों को बेचा है ऑल ओवर इंडिया में, जबकि अगस्त में 5326 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 349 गाड़ियां ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने 349 गाड़ियां। इनके पास टोटल 4 प्रोडक्ट है भाई आज के रेट में। बाकी 6ठे नंबर पे किया इंडिया, इन्होंने भाई 23523 गाड़ियों को बेचा है ऑल ओवर इंडिया में, जबकि अगस्त में 22523 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 1000 गाड़ियां इन्होंने ज़्यादा बेचा है पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने 1000 गाड़ियां। अभी इनके पास टोटल 4 प्रोडक्ट है भाई, एक कार्निवाल लॉन्च हो चुका है तो 5 प्रोडक्ट हो चुका है अब। बाकी 5वें नंबर पे टोयोटा, इन्होंने भाई 23802 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में, जबकि अगस्त में 28589 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 4787 गाड़ियां कम बिकी, 4787 गाड़ियां। इनके पास टोटल 12 प्रोडक्ट है भाई आज के रेट में। बाकी 4थे नंबर पे टाटा मोटर, इन्होंने भाई 41065 गाड़ियों को बेचा है, वाह भाई वाह, जबकि अगस्त में 44142 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 3077 गाड़ियां इनकी कम बिकी, 3077 गाड़ियां। इनके पास टोटल 14 प्रोडक्ट हो चुका है आज के रेट में। बाकी 3रे नंबर पे महिंद्रा, इन्होंने भाई 51062 गाड़ियों को बेचा है, जबकि अगस्त में आंकड़ा 43277 यूनिट का था। मतलब भाई 7785 गाड़ियां ज़्यादा बिकी इनकी, 7785 गाड़ियां। अभी इनके पास 11 प्रोडक्ट ही है भाई आज के रेट में। बाकी 2रे नंबर पे हुंडई, इन्होंने भाई 51101 गाड़ियों को बेचा है, 51101 गाड़ियां, जबकि अगस्त में आंकड़ा 49523 यूनिट का था। मतलब 1576 गाड़ियां ज़्यादा बिकी इनकी पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने 1576 गाड़ियां। इनके पास 13 प्रोडक्ट है भाई आज के रेट में। बाकी नंबर 1 पे है मारुति सुजुकी, इन्होंने भाई 144962 गाड़ियों को बेचा है, 144962 गाड़ियां, जबकि अगस्त में आंकड़ा 143075 यूनिट का था। मतलब 1887 गाड़ियां इन्होंने ज़्यादा बेचा है। इनके पास टोटल 17 प्रोडक्ट है भाई आज के रेट में। सितंबर का महीना ठीक ठाक रहा सारी कंपनियों के लिए, लेकिन अक्टूबर का महीना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि भाई नवरात्रि अक्टूबर में,
तो देखना हर कंपनी दबा के बेचेंगी। तो यही कहानी है भाई 14 उन कंपनियों का जिन्होंने सबसे ज्यादा अपनी कार को बेचा है ऑल ओवर इंडिया में सितंबर में। आई होप आप सभी को मजा आएगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से, जय सभी को।